कसरावत जनपद को स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल, सड़क और नवीन पुलों की सौगात मिली है। कसरावत जनपद के कई गांव में सांसद ने लोकार्पण और भूमि पूजन किया। शनिवार को क्षेत्रीय सांसद गजेंद्र पटेल ने कसरावत जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण किया, जिसमें निर्धारित कार्यक्रम अनुसार उन्होंने कई गाँवों के विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। साथ ही अनेक गाँव में कई विकास कार्यों में भूमि पूजन भी किए। सांसद पटेल प्रातः मगरखेड़ी पहुंचे और उन्होंने 131 लाख रुपए की लागत से बनने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया। इसके अलावा इसी गांव में सांसद पटेल ने 6,88,000 रुपए की लागत से बनी सीसी रोड का लोकार्पण भी किया है। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। कसरावत विधानसभा के मनरेगा के काम जल जीवन मिशन के अंतर्गत के लोकार्पण और भूमि पूजन के आयोजन में अब मंच तो काफी भरा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मंडलों के अध्यक्ष सम्माननीय दीपक पटेल जी, 26 लाख 15 वित्त में पुलिया निर्माण और सर्व शिक्षा अभियान का शाला भवन, सर्व शिक्षा अभियान का अधिकारी को स्वयं खेलिंग होगा, तो यह कुल मिलाकर 6 करोड़ और 4 करोड़ के आसपास, मतलब 10 करोड़ नहीं, 1 अरब, ठीक है ना, 10 करोड़ से ज्यादा गए। सर, आज जो ये भूमि पूजन था, कितने करोड़ का भूमि पूजन था और विकास कार्य का भूमि पूजन किया? मुझे लगता है कि आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी के अंतिम छोर के आने के बाद भी इस क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत एक नहीं कम से कम 50 पंचायतों में नल जल योजना के माध्यम से शुद्ध जल पहुँचे, इसके आज भूमि पूजन का कार्यक्रम था और कम से कम 6.5 करोड़ से भी ज़्यादा के काम आज के हमने भूमि पूजन के कार्यक्रम हमने किए हैं। मेरे साथ में इस क्षेत्र के पूर्व विधायक माननीय आत्माराम जी, हमारे जिले के महामंत्री महेंद्र यादव जी, जिला पूर्व जिला थे राजीव जी, हमारे मीणा जी, ऐसे तमाम प्रकार के हमारे भारतीय जनता पार्टी के सब प्रमुख नेतागण हैं और हम सुबह से ही इस प्रकार के लोकार्पण और भूमि के कार्यक्रम में चल रहे हैं। निश्चित तौर पर आज का ये जो आयोजन था वो आयोजन जल्दी से विकास काम पहुँचे, जल्दी से लोगों को शुद्ध जल मिले, मनरेगा के तहत बहुत सारे काम सुदूर सड़क के खरंजों के रपट के काम शुरू हो रहे हैं, बहुत सारे काम हो चुके हैं, उनके बहुत सारे लोकार्पण और उद्घाटन के कार्यक्रम थे। कम से कम 10 करोड़ से भी ज़्यादा का हमने आज भूमि पूजन और लोकार्पण किया है। मैं आपके माध्यम से मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी का, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और क्षेत्र की जनता को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। सर, कसरावत में शासकीय अस्पताल में कमी है डॉक्टरों की और बड़े हॉस्पिटल की, इसके लिए? सर, निश्चित ही स्वास्थ्य सेवाओं में आपका योगदान काफ़ी सराहनीय रहा, लेकिन आज जो जनसंख्या बढ़ी उसके हिसाब से कसरावत के एक बड़े अस्पताल की जरूरत है। 100 बेड के हॉस्पिटल की मांग भी की जा रही है, पहली बात की जरूरत भी है। पहली बात तो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हमारे मध्यप्रदेश के शिवराज जी ने बहुत सारा काम किया है। निश्चित तौर पर जहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करना चाहिए थे वहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र लंबे समय से विधानसभा में एक नहीं सैकड़ों स्थापित किए गए। उसके बाद जहाँ पर डॉक्टर की कमी की बात की गई तो हमारी सरकार ने निर्णय लिया था कि कोई भी क्षेत्र का डॉक्टर कभी हॉस्पिटल में कोई सेवाएं देना चाहता है तो तत्काल आवेदन करे और उसकी तत्काल उसी दिन नियुक्ति करने का भी प्रावधान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और मैं आपके माध्यम से ऐसे कई जिन्होंने डॉक्टरी का कोर्स कर रखा है वो आमंत्रित हैं और जहाँ पर सेवा देना चाहते हैं तत्काल उनको कलेक्टर के माध्यम से आदेश देने का प्रावधान दुनिया में सबसे पहले मध्यप्रदेश की सरकार ने तय किया। बात रही यहाँ पर हॉस्पिटलों की भीड़ों की, निश्चित तौर पर जनसंख्या बढ़ी है और उस बढ़ते हुए क्रम को लेकर ही हमारी मध्यप्रदेश की सरकार भी काम कर रही है। जो पुराने हॉस्पिटल हुआ करते थे उनके कई इंफ्रास्ट्रक्चर का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खड़ा किया, जिसको दिल्ली भोपाल इंदौर इलाज में जाना पड़ता था उससे कई प्रकार के इलाज आज जिला चिकित्सालय में होने लग गए हैं। जहाँ पर जिला चिकित्सालय में जाना पड़ता था वो कई इलाज अब उप स्वास्थ्य केंद्र और स्वास्थ्य केंद्र में होने लग गए। फिर भी किसी चीज़ की कमी होगी, 100 बेड की कमी होगी तो उसके लिए बातचीत करेंगे और आप ये निश्चित मानिए कि स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के लिए मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है और इस प्रकार के कई निर्णय मध्यप्रदेश सरकार लेगी। तो हम माने कि जल्दी अस्पताल की कुछ घोषणा होगी। आप निश्चिंत मानिए कि देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस खरगोन बड़वानी लोकसभा में अति शीघ्र मेडिकल कॉलेज आएगा, स्वीकृति भी होगी और आने वाले कुछ सालों में हमारे बच्चे उसमें पढ़ेंगे भी, उसका लाभ हमारे क्षेत्र की जनता को मिलेगा।
हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।